नारा वो आत्मनिर्भर भारत हमारा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल झा और स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर हमारा खास लाइव सेशन जिसका नाम है मिशन आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, इस लाइव एपिसोड में, इस लाइव सेशन में हम हमेशा बात करते हैं एक नई इंडस्ट्री के ऊपर, और आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे A4 पेपर साइज की इंडस्ट्री पे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है, बशर्ते आपकी मार्केट पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपको 95% तक का प्रॉफिट बिजनेस करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्कूल में, कॉलेजों में और ऑफिस में आपकी सप्लाई रेगुलर हो रही हो। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ मशीनों की जरूरत होगी, और अगर हाई क्वालिटी में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले इस बिजनेस को समझना होगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल होता है वो GSM फॉर्म में होता है, यानी पेपर की थिकनेस GSM में गिनी जाती है। साथ ही आप इस बिजनेस को कम बजट में भी शुरू कर सकते हैं। आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीद कर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक आती है पेपर रोल कटिंग मशीन, जो पेपर को कट करने का काम करती है, और दूसरी मशीन जिसका नाम है शीट कटिंग मशीन, और ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, और अगर आप चाहें तो इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी खरीद सकते हैं। ये दोनों मशीन के सहारे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस को करने से पहले उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस बिजनेस में आप करीबन 90-95% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और इस बिजनेस की सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी इस इंडस्ट्रियल लाइव सेशन में। इन सभी जरूरी जानकारियों के साथ आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शिवनंदन सिंह, जो वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे A4 पेपर साइज की इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा जा सकता है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम शिवनंदन सिंह, डायरेक्टर एट वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है, और हम बहुत सारी मशीन्स बनाते हैं प्रिंटिंग एंड पेपर कन्वर्टिंग मशीनरी लाइन में, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन टू वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन टू A4 कॉपियर शीटर मशीन, पेपर बैग मेकिंग मशीन्स, थर्मल पेपर स्लेटिंग रिवाइंडिंग मशीन, नॉर्मल रोल टू शीट कटिंग मशीन। सो वी हैव लॉट ऑफ सेगमेंट्स इन प्रिंटिंग एंड पेपर कन्वर्टिंग लाइन्स। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे A4 कॉपियर शीटर मशीन के बारे में, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी पर्टिकुलरली इंडिया में, क्योंकि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, MNCs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह ये चीज़ यूज़ होती है, A4 कॉपियर शीट। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्रोफेशनल, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये यूज़ ना हो। आपके घरों में भी प्रिंट आउट निकलते हैं, तो ये, और इसकी कंजम्पशन भी डे टू डे डेली बेसिस पे होती है, तो इसकी डिमांड अभी बहुत पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम, अगर आप इसका व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे आप इसमें कितना कमा सकते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक थिंग विच इज़ योर मशीनरी, अगर आप मशीनरी लगाना चाहते हैं, मशीन A4 कॉपियर की खरीदना चाहते हैं, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो मशीन देखा जाए तो पर्टिकुलरली हमारा, जैसे वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर्टिकुलरली 5 मॉडल्स देती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 लैक्स टू 19 लैक्स टू 26 लैक्स टू 30 लैक्स एंड देन 48 लैक्स, इट गोज़ ऑन लाइक दैट। जो
इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जो कम कैपेसिटी की मशीन होगी वो आपको 13 लाख की मिल जाएगी, उससे ऊपर कैपेसिटी की आप जाएंगे तो आपको 16 लाख की मिल जाएगी, उससे ऊपर जाएंगे तो 19 लाख की मिलेगी, फिर 26 लाख की मिलेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंजम्पशन कि आपका कंजम्पशन कितना है, आप दिन में कितने रीम्स बनाना चाहते हैं। रीम होता है आपका 500 शीट का एक रीम होता है, और वही एक रीम आपको मार्केट में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में वही रीम बिकता है। तो वो रीम आप कितना आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो मार्केट से, कितनी आपकी कंजम्पशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कस्टमर्स को मशीन सजेस्ट करते हैं कि आप ये मशीन आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है या ये मशीन आपको लगानी चाहिए। तो अगर आप बेसिक मशीन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका 13 लाख का मॉडल है, वो आपको 800 रीम एक दिन में बना के दे देती है, जिसमें आपका 16 घंटे का मशीन का रनिंग टाइम होता है, और बाकी जो आर्ट्स होते हैं वो आपके वेस्टेज में निकल जाते हैं। जैसे आप रोल, जंबो रोल चेंज करोगे, ब्रेक्स लोगे या कुछ भी करोगे, तो बाकी के जो घंटे हैं, बाकी के जो 8 घंटे हैं वो वेस्टेज में निकल जाते हैं। इस बेसिक मशीन को, जो हमारी 13 लाख की बेसिक मशीन है, इसको लगाने के लिए आपको जो मशीन की कॉस्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ आपको रॉ मटेरियल्स भी परचेज करना पड़ेगा। स्टॉक में आपको मिनिमम 20 टन पेपर रखना पड़ेगा। हमारी मशीन की कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, 800 रीम्स पर डे है, विच कम्स अप्रॉक्सीमेटली टू 1.6 टू 1.7 टन पर डे। तो एटलीस्ट आपको 20 टन पेपर इन स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन चलती रहे। और उसके बकायदा आपको मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जब आपको दिखेगा कि हाँ भैया अब स्टॉक मेरा ख़त्म होने वाला है, तो आपको दोबारा से रीऑर्डर करके अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस 20 टन का अगर मैं मिनिमम प्रोडक्शन देखूँ, जो इसका कॉस्ट होता है वो पर केजी में आता है। जो रॉ मटेरियल का जंबो रोल होता है वो पर केजी में आता है, जो जिसका साइज़ होता है 430 mm, 43 सेंटीमीटर। तो 43 सेंटीमीटर का अगर आप जंबो रोल परचेज करें तो आपको पर केजी के हिसाब से मिलता है, और इसका प्राइस जो है वो 52 रुपीज़ पर केजी से लेके 56-57 रुपीज़ पर केजी तक जनरली होता है। इसमें भी ग्रेड्स होते हैं पेपर के, ए ग्रेड का मटेरियल, बी ग्रेड का मटेरियल, सी ग्रेड का मटेरियल। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप मार्केट में अपना क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ए ग्रेड का करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा महंगा मिलेगा, बी ग्रेड का करेंगे तो सस्ता मिलेगा, सी ग्रेड का और सस्ता मिलेगा। तो वो आपको देखना है कि आप सी ग्रेड बेचना चाहते हैं, बी ग्रेड बेचना चाहते हैं, ए ग्रेड बेचना चाहते हैं। तो जनरली इसका प्राइस जो होता है 52 रुपीज़ पर केजी से लेके और 56 रुपीज़ पर केजी तक जाता है, और इसका एक जंबो रोल का जो वेट होता है अराउंड 450-500 kgs अप्रॉक्स होता है। तो ये आप परचेज़ करेंगे तो मिनिमम आपका पेपर में देखा जाए तो 12 से 13 लाख रुपए आपके पेपर में लगते हैं, और यही 13 लाख आपकी मशीनरी में लगेगी। फिर इसके अलावा अगर आपकी कॉस्ट देखी जाए तो आपको एक एरिया रिक्वायर्ड होगा, वो रेंटेड हो या आपकी खुद की पर्सनल ज़मीन हो, वो आप पे डिपेंड करता है। रेंटेड या पर्सनल हो, जो भी हो, उसमें आपको अराउंड 1000 square feet, स्टार्ट 600-1000 square feet आप करें, 1000 जितना ज़्यादा उतना बेटर। तो 1000 square feet अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक एरिया होगा जिसमें आप मशीन इंस्टॉल करेंगे, एक एरिया होगा जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल रखेंगे, एक एरिया होगा जिसमें आप अपना फिनिश प्रोडक्ट रखेंगे, एक आपका ऑफिस होगा। तो ये सारे एरियाज अगर देखे जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1000 square feet के करीब ये जगह पड़ जाएगी। तो उसका जो भी रेंट आपको होगा वो देना पड़ेगा। फिर इस पे आते हैं लेबर, लेबर कितने चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए। तो मिनिमम 3-4 लेबर चाहिए ही चाहिए, उसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, आपका एक सुपरवाइज़र और एक हेल्पर। तो मैक्सिमम 4 आप मान लीजिए, 4 बंदे चाहिए जो इस मशीन को प्रॉपरली अच्छे से रन कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री मशीन है। अगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका साल भर का जो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा वो मैक्स टू मैक्स आपका 12,000 से 15,000 का खर्चा आता है इस मशीन को मेंटेन करने के लिए। जैसे इसमें जो कंज्यूमेबल आइटम होता है वो ब्लेड्स होते हैं, इसके कटर होते हैं। तो कटर का आपको 6-7 महीने में एक बार ही हो सकता है चेंज करना पड़े, और वो भी आपका रीग्राइंड हो जाता है। वो आपका 4,000 से 5,000 का कटर रिप्लेस हो जाएगा, नया आ जाएगा, और वो पुराने कटर को भी आप रीग्राइंड के लिए, उसकी धार लगवाने के लिए दोबारा से भेज सकते हैं। तो 3-4 बार उसको आप धार लगवा के दोबारा से वो रीयूज़ कर सकते हैं कटर्स। सो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी मशीन है, बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस है इस मशीन में। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी कुछ नहीं है। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द मशीन।
तो जो बेसिक मॉडल है हमारा 13 लाख का जो मॉडल है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें मोटर यूज़ होता है वो अराउंड 9 HP का मोटर यूज़ होता है, तो आपकी पावर कंजप्शन अराउंड 7 kW होगी। तो 7 kW आपका पर आर, एक घंटे में आपका 7 kW इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। तो जितना भी आपका यूनिट है, ₹10 पर यूनिट है या जो भी है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका पावर कंजप्शन आएगा। अब पावर कंजप्शन के बाद हम बात करते हैं कि अगर आप ये व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपको बचेगा कितना। तो जो भी मैंने आपको अभी खर्चे बताए हैं, उससे अगर हम कैलकुलेट करें कि नॉर्मल जो पेपर आपको मिल रहा है से मिनिमम अगर हम देखें 52 rupees पर kg अगर आपको मिल रहा है, और एक जो रीम होता है, ये जो आपका रीम है, इस रीम का जो वेट होता है वो 2, अगर 70 GSM का अगर आप लेते हैं तो इट इज़ अराउंड 2.18। तो अगर आप इससे 2.20 से 2.201% का वेस्टेज भी मांग सकते हो, बिकॉज साइड से ट्रिम कटते हैं फॉर फ्रेश कटिंग, तो 5-5 mm का साइड से ट्रिम कटता है फॉर फ्रेश कटिंग, तो वो जो वेस्टेज को मिला के अगर देखा जाए तो इट इज़ 2.20। तो आपका जो वेट है वो 2.20 है, और आपका जो पर केजी का है प्राइस फॉर रॉ मटेरियल इज़ 52 rupees पर केजी। तो उससे अगर आप इंटू करते हैं तो आपका जो एक रीम को तैयार करने का खर्चा बनता है सिर्फ पेपर का, सिर्फ रॉ मटेरियल का, वो आपका आता है ₹115 के आसपास, 114-115 rupees के आसपास आता है। फिर इस पे आप 6-7 rupees आप जोड़ सकते हैं फॉर द कन्वर्जन चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, आपका ये जो पैकेट आप ऊपर रैपर देख रहे हो वो रैपर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो पेपर आपका रॉ आपके वेंडर से आपके यूनिट तक आएगा उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, या आप जो रीम यहाँ से फाइनल जगह भेजेंगे, वो कुल मिला के टोटल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पैसों में आती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाई है तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैसों में आती है, आपका लेबर भी पैसों में लगता है, तो मेन कॉस्ट आपका रैपर का हो गया, कार्टन का हो गया, वो भी 2-3 rupees कार्टन का आता है, रैपर का 1.5-2 rupees आप रैपर का मान सकते हैं। तो ये सारा खर्चा मिला के 7-8 rupees मैक्सिमम आपका लगेगा। तो आपका जो टोटल आप 10 rupees भी मान के चलो तो 125 rupees खर्चा आ गया आपका एक रीम तैयार करने के लिए। अब 125 rupees आपका रीम तैयार हो रहा है। अब इसे अगर मार्केट में देखें कि मार्केट में ये कितने का बिक रहा है, तो अगर मैं इसी प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर आप होलसेलर पे देखें, जो डीलर आपके हैं उनको अगर आप बेचने चाहें तो वो 145-145 rupees में ख़रीदते हैं पैकेट, और आगे जो रिटेलर्स को बेचेंगे, जो रिटेलर आपको बेचेंगे वो 160-170 rupees ऐसे करीब बेचते हैं। तो ये दो मार्केट है, आप डीलर को भी अप्रोच कर सकते हो, आप डायरेक्ट रिटेल शॉप पे भी जाके अपना वो कर सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर एंड पे भी बेच सकते हैं। तो अगर आप ये देखें, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से भी देखें, जो आपका होलसेलर है उनसे भी देखें, तो आपको आराम से 20 rupees इसमें बच रहे हैं। अब 20 rupees पर रीम आपको पैसे बच रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ आप 10 rupees रीम भी बचा रहे हो, अगर 10 rupees रीम भी बचा रहे हो और 800 रीम आपका एक दिन में मशीन बना के दे रही है, तो आपकी महीने भर की सैटरडे संडे हटा के आपको 22-25 दिन का जो भी आपका प्रोडक्शन होगा उसमें आपको 20,000 रीम बना के मशीन तैयार करके दे देगी महीने की। तो आप अगर 10 rupees भी बचा रहे हो तो आपको 2 lakh rupees महीने के बच रहे हैं बहुत ईजिली, 2 lakh अगर आप सारा, हाँ ऑब्वियसली कंडीशन टू कि आप सारे जो आपने बनाए हैं वो आप बेच पाते हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, जितनी आपकी प्रोडक्शन अगर आप बेच पाते हो तो आप 2 lakh rupees आराम से इस मशीन में सेव कर सकते हो, और मशीन है 13 lakh rupees की। तो आपका जो ROI आएगा वो अराउंड 7-6 months ओनली ऑन द मशीन आई एम टॉकिंग अबाउट, रॉ मटेरियल और वो भी अगर ऐड कर दे तो आपका हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन हाँ ये है कि आपको मशीन की जो कॉस्टिंग है हमारी वो आपको 6-7 महीने के अंदर आपको सारी चीज़, सारा रिटर्न मिल जाएगा, 7-8 महीना मान लीजिए, 9 महीना मान लीजिए, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जनरली लोगों को 3-4 साल लग जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में, यहाँ पे आपको 1 साल के अंदर ही आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो है रिकवर होके जा रहा है। और मशीन की जो हमारी लाइफ है वो अराउंड 15-20 years बहुत ईजिली चलती है, अगर आपने रेगुलरली इसे मेंटेन करके रखा तो 15-20 years मशीन बहुत अच्छे से चलती है। तो हर 1 साल के बाद जब आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, 1.5 साल मान लीजिए रिकवर हो गई, उसके बाद हर साल आपको ये सिर्फ प्रॉफिट कमा के देगी, आपके जेब से जितने लगे थे वो रिकवर हो गए, और उसके बाद आपको हर महीने ये 2 lakh में आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, जो एक्चुअल प्रॉफिट आपका रियलाइज़ होगा नेट प्रॉफिट, तो उसमें से 2 lakh नहीं हुआ, 1 lakh हुआ, मान लो वर्स्ट केस में 1 lakh हुआ, तो उसमें भी आप
₹1 लाख भी बचा रहे हो तो हर महीने ₹1 लाख महीना, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट टू सेव. तो ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन का. अब है कि आप ये रीम मार्केट में बेच कैसे पाएंगे. तो जैसे मैंने बताया, इसकी डिमांड, ऐसा एक भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे A4 कॉपी शीटर नहीं लगता. सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होता है. वहाँ पे वर्बली कुछ नहीं चलता, चाहे वो GST रिटर्न हो, चाहे वो कुछ भी हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह वो डॉक्यूमेंटेशन उन्हें रखना ही पड़ता है. तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन इसकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है. फिर बड़े बड़े MNCs जो आपके बड़े बड़े MNCs हैं, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे ये लगता है जो A4 कॉपियर शीटर है. अब बिकॉज ऑफ इंडियाज ग्रोइंग यू नो ग्लोबलाइजेशन, तो अब और कंपनीज आएगी और इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, अपना सेटअप करेगी, तो इसका डिमांड और बढ़ेगा, कम नहीं होगा. कंटिन्यूसली पॉपुलेशन हमारी कंटिन्यूस बढ़ रही है, तो यंगस्टर्स की जो परसेंटेज है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है. तो ये इसकी कंजप्शन कंटिन्यूसली ऑन द डे टू डे बेसिस अभी तक बढ़ती आई है और आगे भी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी. तो उस केस में आप डे टू आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सेल कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स पोर्टल हो गया, आपके अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पे अपना आप प्रोडक्ट पब्लिश करके उसे आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं अच्छे अमाउंट की. तो ये आपके सारे सोर्सेज हैं डे टू डे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू. आप जाके किसी कॉरपोरेट में बैठ के अगर आप उन्हें ₹5, ₹2, ₹3 भी सस्ता देंगे, क्योंकि वो बल्क में ख़रीदते हैं, तो दे विल प्रेफर यू. आई वॉन्ट दे विल प्रेफर यू कि भैया ठीक है, आप मुझे सस्ता दे रहे हो, क्वालिटी आपकी मोर और लेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, रैपिंग पैकिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो ठीक है, आई बाय फ्रॉम यू. तो ये ऐसी चीज़ है. मार्केटिंग भी इसकी ईजी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है. तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन श्योरली गो फॉर. आई मीन A4 कॉपियर शीटर इज समथिंग विच यू शुड गो फॉर. इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, जिसको आपको GST और उद्योग आधार नंबर लेना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप ये स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस. बाकी आपको कोई पर्टिकुलर लाइसेंस या परमिशन की ज़रूरत नहीं है. थ्रू GST आप कंपनी रजिस्टर करके GST नंबर, उद्योग आधार नंबर लेके आप ये स्टार्ट कर सकते हैं. बाकी आपको कोई भी जानकारी पर्सनली इससे हटके या और डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप IID के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं. हम आपको पूरा सहयोग देंगे, पूरी मदद करेंगे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू बॉटम, जो भी होगा हम सारी हेल्प करेंगे. तो दोस्तों, आज के इस इंडस्ट्रियल लाइव सेशन में बस इतना ही. अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्री और एक नए लाइव सेशन के साथ, जिसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे नई नई इंडस्ट्रियों के बारे में, नए नए एक्सपर्ट से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे हम किसी भी इंडस्ट्री में अपना कदम रख सकते हैं और वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं, साथ ही साथ देश की तरक्की में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं. तो चलिए, अब अलविदा आपसे लेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी या फिर किसी इंडस्ट्री से जुड़ी डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं. आपसे बात करने के लिए हम हमेशा हैं तैयार. हमें कॉल करके जानें अपने बिजनेस से जुड़े सवालों के जवाब. तो तुरंत कॉल करें MSME हेल्पलाइन नंबर्स 7607655555 और 7408733333 पर, और पाएं बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ. ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो इस वेबसाइट पर दिखा नहीं. इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक, बिजनेस सर्विसेज से लेकर एक्सपर्ट एपिसोड्स तक, उद्योग से जुड़ी हर जानकारी और सवालों के जवाब पाने के लिए अभी लॉगिन करें www.iid.org.in पर. आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है IID, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Industrial Solutions, Detailed Project Reports, Entrepreneurship Development Program, Expert Episodes, Consultancy और भी बहुत कुछ. आपके Business Related किसी भी समस्या का समाधान है Entrepreneur India Live App, अभी डाउनलोड करें. नमस्कार इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है. IID द्वारा लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है और आज हम बात करेंगे A4 कॉपियर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में. कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, क्या क्या मुनाफा आपको हो सकता है, क्या क्या चीज़ें, जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट है, मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सबका आंसर मैं दे पाऊँ और पूरे डिटेल में दे पाऊँ कि कितना, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों सारे एक साथ क्लियर हो सकें. एक एक करके हम क्वेश्चंस उठाएंगे. उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं. मेरा नाम शिवनंदन सिंह है, मैं वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूं.
मेरी कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है एंड वी आर लाइक वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हेयर इन इंडिया फॉर प्रिंटिंग एंड पेपर कन्वर्टिंग मशीनरीज। आज हम बात करेंगे A4 कॉपियर मशीन की, जो अगेन हम 25 सालों से मशीन बना रहे हैं और इस इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो A4 कॉपियर है वो हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो बड़े बड़े MNCs कॉरपोरेट्स हो, चाहे वो स्कूल का बिजनेस हो, हर जगह ये पेपर यूज़ होते हैं। विदाउट प्रिंट कोई काम नहीं किया जाता और इसकी यूसेज भी बहुत ज़्यादा है। हर साल कम से कम 20 मिलियन टन पेपर कम से कम बनाया जाता है यहाँ पे इंडिया में ही, और इसका कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ का टर्नओवर होता है पूरा इंडिया का अगर देखा जाए। और एम्प्लॉयमेंट भी, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। अराउंड 1.5 मिलियन to 2 मिलियन पीपल तक ये पूरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन लेना कि कितना हम आंसर दे पाए आपके हर एक क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है, पेपर बिजनेस कितनी पूंजी में शुरू किया जा सकता है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारी जो मशीन है, अगर आप बेसिक मशीन लेना चाहते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो आप एक बेसिक मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 800 रीम के करीब होता है एक दिन में। एक दिन यानी पूरा 16 घंटे की मशीन का रनिंग टाइम होगा। उस मशीन की रनिंग टाइम में आप 800 रीम, एक रीम में 500 शीट होती है, जो कि आप देखते होंगे मार्केट में जो बंडल मिलता है वो 500 शीट का एक बंडल मिलता है आपको, तो वो ऐसे 800 रीम तैयार कर देगा। ठीक है, यानी 300,000 शीट्स आपके काट के रख देगा वो मशीन। ये मशीन जो हमारा बेसिक कॉस्ट स्टार्ट होता है वो 13,00,000 से स्टार्ट होता है, और आपका मशीनरी का कॉस्ट हो गया 13,00,000। इसके ऊपर आप अगर पेपर रॉ मटेरियल जो आप लेंगे, जो इसका रॉ मटेरियल आता है, एक जंबो रोल आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो ये पेपर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं डिफरेंट प्राइस पे। आज की डेट में इसका प्राइस 45 रुपीज पर केजी से लेके 55 रुपीज पर केजी तक जाता है, और भी ऊपर जाता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पेपर, कि कौन सा क्वालिटी आप का पेपर आप यूज कर रहे हैं। तो अगर आप, मैं 50 रुपये मान के चलूं कि बी ग्रेड का क्वालिटी का पेपर आप लेते हैं, 50 रुपये का अगर आप पेपर ले रहे हैं, तो ये आपको 20 टन मिनिमम लेना पड़ेगा। 20 टन पेपर आपको मिनिमम, हर कोई पेपर मिल बोलता है कि आपको इतना तो ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। तो अगर 20 टन आप पेपर लेते हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो आपके 10,00,000 रुपये मोटा मोटा हो जाता है। तो 10,00,000 आपका ये हो गया। और रेंट आपको देखना है, आपको जमीन देखनी है कि आपकी खुद की जमीन है या आप रेंट पे लेना चाहते हैं, रेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो भी है। बिजली का कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें सेकेंडरी है। मेन जो दो चीजें इसमें ये है, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ऑफिस होना जरूरी है, जमीन होना जरूरी है। और जमीन जो इसमें रिक्वायर्ड होता है वो आपका 250 स्क्वायर फीट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 250 स्क्वायर फीट से आप शुरू कर सकते हैं। 1,000 स्क्वायर फीट, 1,500 स्क्वायर फीट, 2,000 स्क्वायर फीट, बड़े बड़े पेपर मिल एकड़ में होते हैं, तो वो आप करना चाहते हैं। क्योंकि आप जमीन लेंगे, एक तो आपका असेंबली एरिया होगा जिसमें आप मशीन A4 की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक आपका वेयर हाउस एरिया होगा जहाँ पे आप, वेयर हाउस एरिया भी आपके दो होंगे, एक होगा रॉ मटेरियल का जहाँ आप जो जंबो रोल आप सप्लायर से लेंगे वो आप वहां पे स्टोर करेंगे, दूसरा आपका फिनिश प्रोडक्ट का, जहाँ पे आप फिनिश प्रोडक्ट अपने संभाल के रखेंगे। तो ये दो वेयर हाउस हो गए, प्लस फिर ऑफिसेज हो गया, अगर अकाउंट्स का आपका ऑफिस है, मार्केटिंग का आपका ऑफिस है, वो भी बनाना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी आप जमीन लेना चाहते हैं, तो उस जमीन के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन जो दो कॉस्ट आपको मार्केट से जानने की जरूरत है वो है मशीन की, जो बेसिक मैंने बता दिया, 13,00,000 से स्टार्ट होके 50,00,000, 55,00,000 सिर्फ शीटिंग यूनिट मिल जाएगा आपको। अगर पैकिंग मशीन भी चाहते हैं आप, पैकिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाए, उसी में आपका मैनुअल इन्वॉल्वमेंट जीरो रहे, तो पैकिंग मशीन भी आपको मिल जाती है। तो A4 शीटर हो गया, पैकिंग हो गया, आपका पूरा एक रीम बन के तैयार होके बाहर आ जाता है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता कि नहीं भैया अभी मेरे पास पैकिंग मशीन के लिए पूंजी नहीं है, मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता अभी इतना, तो आप सिर्फ शीटिंग मशीन पे जा सकते हैं। आपने रीम शीट कर लिए,
आपने वो शीट A4 साइज के कॉपियर पेपर के रीम शीट को काट लिया, उसे आप मैन्युअली पैक करा सकते हैं। मैन्युअली पैक कैसे करा सकते हैं? आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसे लोगों को दे सकते हैं कि भैया मैं आपको पर रीम 25 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, जितने पे वो मान जाए वो मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे रीम पैक कर दीजिए। तो अगर आप 1000 या 800 रीम एक दिन में बना रहे हैं, 1000 रीम आप एक दिन में बना रहे हैं, 20 पैसा आप दे रहे हैं, तो 250 रुपये लेगा और आपकी पूरे 1000 के 1000 रीम पैक करके आपको तैयार करके दे देगा। तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी करा सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग फेज में आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये चीज कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपको लगे कि हाँ भैया अब मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब मैं थोड़ा और अपग्रेड कर सकता हूँ, तो या तो आप हायर कैपेसिटी की मशीन ले लीजिए, या तो आप पैकिंग लाइन उसमें जोड़ लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली वो बता दिया मैंने, मशीन का कॉस्ट आपको बता दिया 13 से 55, 50, 60, 1 करोड़, 1.5 करोड़ अगर पैकिंग मशीन आप मिला लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा ऑटोमेशन के साथ अगर आप लेते हैं तो पैकिंग मशीन आपको 70 लाख तक की मिलती है। अगर आप सिर्फ पैकिंग मशीन भी होता है कि सिर्फ आप मैन्युअली हाथ से उठा के रीम रख रहे हैं, एक तो हो गया फुल्ली इंटीग्रेटेड जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस जंबो रोल लगाना है, वो शीट भी अपने आप करेगा, पैक भी अपने आप करेगा और आगे निकाल देगा, वो हो गया फुल्ली ऑटोमेटिक लाइन विद कंप्लीट इंटीग्रेशन। अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं भैया कंप्लीट 70 लाख में नहीं लगा सकता पैकिंग मशीन में, तो आपको 35 लाख की ये सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग लाइन भी मिल जाती है पैकिंग मशीन, जिसमें आपको बस हाथ से रीम रखना पड़ेगा, शीटर मशीन से उठा के पैकिंग मशीन में हाथ से रखना पड़ेगा और वो आपका पैक करके निकाल देगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस आपका इन्वॉल्वमेंट बस इतना है आपको शीटर मशीन से उठा के पैकिंग मशीन में रखना है। तो ये आपका पूरा हो गया मशीन का कॉस्ट जो आएगा। फिर आपका आएगा रॉ मटेरियल का, जो मैंने बताया कि वो 10-20 टन मिनिमम है, तो आपका 10 लाख का कम से कम ये खर्चा आपका मटेरियल का कॉस्ट हो जाता आपके है। बाकी फिर आप वेजेस सैलरी कितना देना चाह रहे हैं, जमीन कितना लेना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कौन सा ले रहे हैं, ये सारी चीज है। अब मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं कि आप जब A4 मशीन लगा रहे हैं, A4 कॉपियर मशीन लगा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 13 लाख वाली से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको पहले मॉडल बता देता हूँ, इसमें हम जो वेबटेक इंजीनियरिंग जो आपको मॉडल प्रोवाइड कर रही है वो कौन कौन से मॉडल्स हैं। पहला मॉडल जो हम देते हैं वो आता है एक अनवाइंड स्टेशन के साथ 2 पैकेट आपके एक साथ आगे बनेंगे, मतलब एक जंबो रोल आप लगाएंगे और आगे आपके 2 पैकेट एक साथ कट के गिरेंगे, ठीक है। ये आपका 13 लाख का मॉडल है। अनवाइंड स्टेशन इज अ प्लेस वेयर यू लोड द जंबो रोल, आप जो जंबो रोल रखोगे उसे अनवाइंड स्टेशन कहते हैं, और पैकेट यानी जो आपके रीम बन के तैयार होंगे वो पैकेट। तो पहला मॉडल है एक अनवाइंड स्टेशन के साथ 2 पैकेट, यानी 2 पैकेट आपके A4 के एक साथ साइमल्टेनियसली बनते रहेंगे, जंबो रोल एक लगेगा, ये 13 लाख का आपका मॉडल है। दूसरा मॉडल जो आपका आता है 16 लाख का, यही ऑटोमेटिक PLC टच स्क्रीन के साथ अगर आप जाते हैं, सारी चीजों के साथ जाते हैं, तो वो आपको 16 लाख का पड़ जाता है। मॉडल सेम है, बस कैपेसिटी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो आपका 16 लाख का पड़ता है। तीसरा मॉडल आपका 2 अनवाइंड स्टेशन के साथ 2 पैकेट, यानी 2 जंबो रोल, क्योंकि आपको प्रोडक्शन की सेम लगेगी, आपका लेबर सेम लगेगा, आप जो रॉ मटेरियल मंगाओगे उस पर ट्रांसपोर्टेशन सेम लगेगा, सारे खर्चे आपके सेम है। आपका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, है ना। तो इसलिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हम कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप कौन सी मशीन पे जा सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 2x2 पे जाइए, यानी 2 अनवाइंड स्टेशन और 2 पैकेट। अगर 2 जंबो रोल आप यहाँ पे लगाएंगे और 2 पैकेट, तो पहली वाली से आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रोडक्शन। वो 800 रीम बनाती थी, ये आपको 1700, 1800, 2000, 2500 रीम के करीब आपकी प्रोडक्शन कितना फास्ट है उसके हिसाब से ये मैक्सिमम 2500 रीम पर डे के 16 घंटे की रनिंग टाइम में आपको निकाल के दे देगी। तो ये हो गया 2 अनवाइंड स्टेशन के साथ 2 पैकेट, ये 19 लाख की मशीन है जो बताया मैंने, 2 अनवाइंड स्टेशन के साथ 2 पैकेट। अब इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो आता है 2 अनवाइंड स्टेशन, यानी 2 जंबो रोल और आगे 4 पैकेट, यानी मशीन की पूरी विड्थ डबल हो जाती है और आगे 4 पैकेट एक साथ आपके कटते हैं, पीछे जंबो रोल भी आपका डबल साइज का हो जाता है। जो पहले 2 मॉडल मैंने बताए उसमें आपका जो जंबो रोल लगता है वो 430 mm का लगता है, आप A4 की विड्थ देखेंगे तो 210 mm होती है, तो 2 पैकेट कट रहे हैं तो 210, 210, 420 हुआ,
और 5-5 mm का हम लोग फ्रेश कटिंग के लिए दोनों साइड से फ्रेश कटिंग हो जाए ट्रिम निकाल के देते हैं, क्योंकि आपका जंबो रोल पड़ा हुआ है, काला पड़ गया, दाग पड़ गया, थोड़ा सा दब गया साइड से, तो आपके A4 जो फाइनल प्रोडक्ट हो उस पे कोई निशान ना आए या उस पे कोई दबा हुआ आइटम ना आए, इसलिए हम लोग उसे ट्रिम 5-5 mm का ट्रिम काट देते हैं ताकि फ्रेश कटिंग हो जाए, एकदम नया पेपर आपका जब कट के रीम तैयार हो एकदम नया पेपर लगे। तो इसलिए जो पहले दो मॉडल मैंने बताया उसमें 430 mm का जंबो रोल लगता है। अब जो मैं आपको 4 पैकेट वाला बता रहा हूँ, 2 जंबो रोल और 4 पैकेट, ये 26 लाख का मॉडल है और इसमें आपको प्रोडक्शन भी आपकी डबल, 5000 रीम आपको निकाल के दे देती है, 5000 रीम एक दिन में निकल जाएगा, एक रीम में 500 शीट होती है, ऐसे 5000 रीम आपका एक दिन में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपको 2x4 यानी 2, और इसका जो साइज है जंबो रोल का वो होता है 850 mm, वही जैसे मैंने समझाया आपको 200 mm के 4 पैकेट, 5-5 mm का ट्रिम दोनों साइड से, यहाँ से 5 mm का ट्रिम, यहाँ से 5 mm का ट्रिम, तो इसलिए 850 mm का आपको जंबो रोल लेना पड़ता है। तो ये 26 लाख का मॉडल है। इससे अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको वो 4 अनवाइंड स्टेशन के साथ 4 पैकेट, यानी 4 जंबो रोल पीछे लगेंगे आपके, 850 mm के 4 जंबो रोल लगेंगे और आगे आपके 4 पैकेट एक साथ कटेंगे, वो 32 लाख का मॉडल है। ये सिर्फ मैं शीटिंग मशीन का बता रहा हूँ, पैकिंग मशीन मैंने आपको बता दिया मैन्युअली आप लेते हैं 35 लाख, और अगर ऑटोमेटिक लाइन लेते हैं तो वो आपको 70 लाख का पड़ता है। तो ये मैंने आपको पैकिंग मशीन का बता दिया। अब आप देखते हैं अगर क्या कहते हैं इससे ऊपर और भी बहुत मॉडल है, बिकॉज ये कस्टमाइजेशन है, वेबटेक इज नोन फॉर इट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो हम जैसा कस्टमर बोलता है वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसे। आपको 5 पैकेट चाहिए 5 पैकेट दे देंगे, 6 पैकेट चाहिए 6 पैकेट दे देंगे, 4 की जगह 6 अनवाइंड स्टेशन आपको लगाने हैं वो भी दे देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है वैसे हम कस्टमाइजेबल आइटम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मशीन के मैंने आपको सारे मॉडल बता दिए कि ये आपका मॉडल आता है। अब एक एक करके हम लोग, मैंने मशीन का, आई होप मैंने आपको मशीन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि मशीन में ये मॉडल होता है, ये प्राइस है और ऐसी ऐसी चीजें हैं। हाँ, और भी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में अभी अराइज हो रहे होंगे कि यार मशीन तो हम ले लें, आपने ऑर्डर दे दिया, हमें प्लेस कर दिया, हमने मशीन आपकी बना के तैयार कर दी, फिर वो मशीन में सीखूंगा कैसे, मुझे कैसे चलानी आएगी? तो उस चीज के लिए हम फ्री इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं, 3 दिन की 4 दिन की। मेरी मशीन कस्टमर एंड पे जाएगी, मेरा फिर जब वो मशीन वहां पहुंच जाती है, मेरे इंस्टॉलेशन के बंदे, हमारे फील्ड के बंदे, सर्विस इंजीनियर्स और इंस्टॉलेशन के बंदे, पूरी टीम अलग है, उसमें से हम उन्हें भेजते हैं, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन की वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं तो हम भी चार्ज करते हैं उसके 3000 पर डे के हिसाब से, बट 3 दिन 4 दिन 5 दिन में बहुत लोग बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां जाके पूरा वो आपको ट्रेनिंग देता है कि कैसे मशीन चलेगी, क्या इसकी मेंटेनेंस है, कैसे आपको मेंटेन करना है, क्या स्पेयर पार्ट आपको कैसे चेंज करना है, कोई कटर खराब हो गया तो कटर निकाल के नया कटर कैसे लगाएं, ऑयलिंग ग्रीसिंग कैसे करें, इसे मशीन को साफ कैसे करें, मेंटेन कैसे करें, पूरा वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा, कैसे इसे रन करना है, कैसे इसकी प्रोडक्शन आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हो, पूरी ट्रेनिंग होती है, रिग्रेस ट्रेनिंग होती है उसकी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये आपको हो गया ट्रेनिंग पार्ट का। एक इसमें हम और चीज डिस्कस कर लेते हैं, चलिए कॉस्टिंग में मैं बाद में आऊंगा कि इसमें बिजली कितनी लगती है, आपका रीम कितने में तैयार हो जाता है, इस चीज पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि मशीन आपने, कस्टमर ने पैसे दिए, मैंने मशीन बना दी, मशीन बन के तैयार हो गई, फिर ये मशीन कस्टमर एंड पे जाती है, मेरा बंदा वहां पे जाएगा, इंस्टॉल करेगा, ट्रेनिंग देगा, सारी चीजें देगा, मशीन आपकी रेडी हो जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मशीन चलाने के। अब उसके बाद आपका रोल शुरू होता है मार्केटिंग में। आप भाग भाग के मार्केटिंग से कहाँ कहाँ से ऑर्डर लाएं, तो इसका ऑर्डर कहाँ कहाँ से आ सकता है, बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट टेंडर्स, लाख लाख क्रीम के टेंडर निकलते हैं, आप उस पे टेंडर भर सकते हैं गवर्नमेंट के, नहीं तो हर जगह हर एरिया में, अभी भी इंडिया में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे कोई पेपर मिल नहीं है, जहां पे कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, और आज भी पेपर दिल्ली से या साउथ से इंपोर्ट हो रहा है। साउथ में भी ऐसे कई जगह हैं जहां पे एक पर्टिकुलर चेन्नई से या केरला से वो पेपर इंपोर्ट हो रहा है। तो ऐसी जगह अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा, बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, आपको पेपर मंगाने के, रीम मंगाने का ट्रांसपोर्टेशन कम लग रहा है और आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स,
इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, फिर आपके जितने भी बड़े बड़े एमएनसीज, कॉरपोरेट आपके कंपनीज हैं, सारी हर जगह ये रीम्स लगती हैं। अब जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडिया का नाम उठ रहा है, बाहर की सारी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो बाहर बाहर की एमएनसी आएगी, तो उनमें ज्यादातर क्या होता है कि बाहर से यूएस से ऑर्डर आता है और कि ये काम करना है आज पर्टिकुलर दिन में, तो वो हर एक एक ऑर्डर का वो प्रिंट निकालना होता है उन्हें। तो ज्यादातर ये कॉर्पोरेट एमएनसीज में बहुत यूज होता है ये A4 कॉपियर। क्यों? क्योंकि बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं तो हर एक एक का आपको फाइलिंग करके रखना पड़ता है, हर एक एक मेल का आपको प्रिंट रखना पड़ता है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मार्केटिंग लेवल पे हर ऐसे कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, जैसे कि एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है कि ये इसी पर्टिकुलर सेक्शन में बिकेगा, ये हर एक एक चीज में ओपन है। स्कूल कर रखते हैं, घर पे भी यूज करते हैं, डायरेक्ट आप डीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग की, डायरेक्ट कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, एक हो गया आप डीलरों को पकड़ रहे हैं, अपने डीलर अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की, भैया मेरा मटेरियल इस ब्रांड का है, ये मेरे पेपर की क्वालिटी है, ये मेरे पेपर का प्राइस है, आप मेरे पेपर का प्रमोशन करिए। तो ये मार्केटिंग पॉइंट से आप ऐसे अपना पूरा एक जाल पूरे इंडिया में फैला सकते हैं, इंडिया भी और अब्रॉड भी। इसका अब्रॉड भी बहुत अच्छा स्कोप उठा है, जैसे आपको पता है चाइना में थोड़ा लोग अब कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया की तरफ लोग ज्यादा करना है, तो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज होगी, यहाँ पे कोई पेपर मिल के मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ज्यादातर सारे रीम्स अभी तक चाइना से या इंडिया से या ताइवान से इधर जगह से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पकड़िए, उनका मार्केट पकड़िए, उनसे डील करिए, तो बहुत अच्छा स्कोप है। फेसबुक पे अपना एडवर्टीजमेंट करिए, सोशल नेटवर्किंग आज बहुत अच्छी चीज हो गई है कि भैया आप बैठे बैठे घर पे कहीं से भी मीलों दूर से ऑर्डर ले सकते हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब एक एक करके मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन बताया कि पेपर बिजनेस कितनी पूंजी में शुरू हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया, 25 लाख मिनिमम आप इन्वेस्ट करें तो आपको मशीन और रॉ मटेरियल दोनों आ जाएगा, प्लस आपको कितना जमीन लेना है, क्या लेना है, वो आपकी कैलकुलेशन है कि कितने आपको बंदे रखने हैं, कितनी आपको जमीन रखनी है, उस हिसाब से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, पेपर के लिए कच्चा माल क्या है और कहाँ से आता है? ठीक है, ये प्रदीप जी है लुधियाना से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेपर का कच्चा माल कहाँ से आता है और क्या होता है इसका माल। तो जो रॉ मटेरियल होता है A4 कॉपियर का, वो आते हैं तीन ग्रेड में, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड का मटेरियल क्या होता है? ए ग्रेड का मटेरियल होता है जो कि डायरेक्ट वर्जिन वुड पल्प से बनता है, आपका सीधा पेड़ से बना हुआ वो पेपर होता है, बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी का पेपर होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, और नो डाउट सबसे महंगा पेपर होता है ABC क्वालिटी में से। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा है, डायरेक्ट वुड पल्प से बना हुआ है, इसलिए सबसे महंगा पेपर होता है। बी क्वालिटी का होता है जो एग्रो मटेरियल से, एग्रो बेस्ड मटेरियल से आपका बनता है, जैसे शुगर केन हो गया, इसका हो गया, इनको सुखा के पूरा वो बना के एग्रो बेस्ड से बनता है, वो हो गया बी ग्रेड। ज्यादातर इंडिया में बी ग्रेड मटेरियल यूज किया जाता है, ए ग्रेड का बहुत ही कम लेवल पे यूज होता है, क्योंकि इकोनॉमिकल है बी ग्रेड, तो अच्छा पेपर भी हो, बी ग्रेड भी बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अच्छा पेपर होता है, वाइटनेस ब्राइटनेस सारी अच्छी होती है उसकी, बहुत अच्छा पेपर होता है, ज्यादातर लोग बी ग्रेड का यूज करते हैं। फिर आपका आता है सी ग्रेड, जो आपका रिसाइकल्ड पेपर से बनता है, जो पेपर वेस्ट है जो निकल रहा है उसी पेपर को रिसाइकल किया जाता है, और वो रिसाइकल होके आपका सी ग्रेड का मटेरियल दोबारा से वो कॉपियर पेपर का जंबो रोल बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे तीन ग्रेड के मटेरियल होते हैं इसमें पेपर में, और ये पेपर आप कहाँ से लेना चाहते हैं, कहाँ से मिलता है, वही मैंने आपको बताया, बहुत सारे पेपर मिल हैं जो ये पेपर देते हैं, रुचिरा पेपर मिल, स्टार पेपर मिल, ट्राइडेंट पेपर मिल, JK पेपर मिल, सेंचुरी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पेपर मिल है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके डीलरों को पकड़ सकते हैं। हमारे भी वेबटेक इंजीनियरिंग के भी टाई अप्स हैं अच्छे अच्छे पेपर मिल से, आप चाहेंगे तो हम आपकी डायरेक्ट उनसे मीटिंग करा देंगे, आप हमसे मिलने आएंगे तो हम आपकी डायरेक्ट मीटिंग करा देंगे, तो आप अक्रॉस द टेबल बैठ के जो भी नेगोशिएशन है, जो भी चीज़ है, फाइनल कर सकते हैं उनसे। तो पेपर भी इसका रेडीली अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, जैसे मैंने बताया 20 मिलियन टन की इसकी प्रोडक्शन होती है, तो बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन है, और पेपर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और अब अगेन इसमें पेपर में भी डिपेंड करता है कि आप 70 GSM का चाहते हैं, इसमें ग्रामेज होता है, पेपर का ग्रामेज क्या है, 70 GSM का चाहते हैं, 75 GSM का चाहते हैं, 80 GSM का चाहते हैं, इंडिया में जनरली 70-75 लोग प्रेफर करते हैं जनरली ज्यादातर, और अब्रॉड अगर देखा जाए, बाहर आप देखा जाए, इंडिया से बाहर, तो लोग 80 GSM ज्यादा प्रेफर करते हैं।
तो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर एक्सपोर्ट का मिला है, इंडिया का मिला है, इंडिया में भी किस किस का मिला है, 70 GSM का चाहिए या 75 GSM का चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीजें आप उससे पता कर सकते हैं। तो उस लेवल का 70 का अलग रेट होगा, 75 GSM का अलग रेट होगा और 80 GSM का अलग रेट होगा। और जैसे मैंने पेपर का रेट बताया 45 रुपए से स्टार्ट होके 55 रुपए 60 रुपए ऐसे अलग अलग रेट होते हैं, जनरली 45, 50, 52, 53 आपको ऐसे में बहुत अच्छा पेपर मिल जाता है, 50, 51, 52 में बहुत अच्छा पेपर मिल जाएगा। अभी तो बहुत पेपर के रेट भी गिरे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस लाइन में घुसने का, आपको बहुत ही कम रुपए में आपको आपकी रीम जो फाइनल रीम है आपकी बनके तैयार हो जाएगी, आपको आपका कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गया है क्योंकि पेपर मिल ने अपने प्राइसेस थोड़े से कम किए हैं, राइट। तो आप पेपर कहीं भी पेपर मिल से या डीलर से कर सकते हैं, हमसे भी आप मिलना चाहें तो हम भी आपको पेपर दे देंगे। तो तीसरा सवाल अब आता है कितनी जमीन में इस यूनिट को लगाया जा सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया, मेरे अभी जितना भी मैंने बोला उसमें आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया कि आप 250 स्क्वायर फीट से लेके कितना भी यूनिट, कितना भी जमीन ले सकते हो, वो आप पे ऊपर है। क्योंकि इसमें जो मैंने बताया आपको असेंबली एरिया होगा जहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग एरिया होगा जहाँ पे आप मशीन से A4 कॉपियर निकाल लेंगे, फिर आपका स्टोर होगा जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ेगा और फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करना पड़ेगा, तो 2 वेयरहाउस आपको चाहिए। फिर आपके ऑफिसेस कितने हैं मार्केटिंग का, आप एक ही जगह पे सबको बिठा दो या अलग अलग ऑफिस में, वो आपके ऊपर, आप पे डिपेंड, मोर देन इनफ टू स्टार्ट। मशीन का जो लेंथ है अगर मैं देखूं, सबसे बेस मॉडल जो है वो आपका 18-19 फीट का लंबाई होता है उसका, 18 to 19 feet उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई उसकी 4 to 5 feet उसकी चौड़ाई होती है। उससे ऊपर जाएंगे जो सबसे हाई मॉडल है वो 30 फीट की लंबाई और 6-6.5 feet की उसकी चौड़ाई, 7 फीट की उसकी चौड़ाई। तो ऐसे ऐसे उसके आप लेंथ ज्यादातर फोकस करें तो 30 feet 32 feet में आपकी मशीन पूरी फिट हो जाती है, उसके ऊपर एंड ओवर तो जनरली 250 स्क्वायर फीट इज मोर देन इनफ। फिर चौथा सवाल हम शुरू करते हैं, क्या इसकी पैकेजिंग मशीन भी लगाई जा सकती है साथ में, ये दिल्ली से है राम प्रवेश सिंह जी पूछ रहे हैं। तो पैकेजिंग मशीन जरूर हम इसमें लगा सकते हैं, अगेन आपका बजट अगर अलाउ करता है। जैसे मैंने बताया कि पैकिंग मशीन 2 तरीके की होती है, एक मैनुअली होती है जिसमें आपको शीटर मशीन से उठा के पैकिंग मशीन में वो बंडल 500 शीट का बंडल रखना है तो वो ऑटोमेटिकली पैक करेगा, तो एक मैनुअल काम आ गया तो वो आपको 35 लाख की मिल जाती है। अगर आप पूरा ऑटोमेशन चाहते हैं कि फुल्ली इंटीग्रेटेड वो मशीन हो तो वो आपको 70 लाख के करीब पड़ जाती है, 70-75 लाख की आपको पड़ जाती है। तो ये आपके 2 तरीके की पैकिंग मशीन है, बिल्कुल लगा सकते हैं। और आपका बजट नहीं भी अलाउ करता तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मैन्युअली पैक करा सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आपका अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि आप चाहते हैं कि बिजनेस से पैसे कमा के ही मैं बिजनेस में लगाऊं, तो पहले आप स्टार्ट कर दीजिए, इनिशियली मैन्युअली पैक करा दीजिए, अपना बेस बना लीजिए मार्केट में, अपना ब्रांड नेम बना लीजिए, आगे फिर आप उसे अगर पैसे आप कमा रहे हैं तो उसमें आप जोड़ते रहिए, कितना भी उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 शीटर 3 शीटर 5 शीटर मशीन लगा लीजिए, पैकिंग मशीन के साथ इंटीग्रेट कर लीजिए। तो पैकिंग मशीन जो मैंने आपको बताया वो भी, उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, खोसला पेपर मिल है जो 35 सालों से पैकिंग मशीन बना रही है, वेबटेक इंजीनियरिंग और खोसला का टाई अप है, तो हम आपको जो भी आपका है वो पूरा एक इंटीग्रेशन के साथ आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे देंगे अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो। अब साइज, सर साइज भी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है सर कि जो मशीन का साइज अगर आप देखे जाए तो मैक्सिमम मिनिमम 18 फीट से लेंथ होती है और जो सबसे बड़ी मशीन है वो 32 फीट की जाती है, पैकिंग मशीन भी लगा ले तो 45 फीट तक चली जाती है। तो ऐसे ऐसे करके मशीन का साइज है। और अगर आप रॉ मटेरियल का जंबो रोल का अगर आप साइज पूछना चाह रहे हैं तो वो आप जंबो रोल आपका 430 mm से स्टार्ट होता है। देखो जंबो रोल का साइज निकालना बहुत सिंपल है, एक A4 साइज 210 mm का होता है, अगर आपका 2 पैकेट है तो 210 को इंटू 2 कर दीजिए तो आपका हो गया 420, और 5-5 mm का ट्रिम दोनों साइड से निकलेगा, 10 mm और जोड़ दीजिए तो वो हो गया 430 mm। अगर आप 4 पैकेट वाली मशीन लेना चाहते हैं तो 210 को इंटू कर दीजिए 4 से, यानी हो गया 840 mm, उसमें 5-5 mm ट्रिम जोड़ दीजिए यानी 10 mm और जोड़ दीजिए 850 mm हो गया। अगर 5 पैकेट का आप रीम लेना चाहते हैं तो आप कर दीजिए 210 into 5 यानी हो गया 1050,
उसमें 5-5 mm का ट्रिम और जोड़ दीजिए, 1060 mm का आपका जंबो रोल हो गया। तो जंबो रोल का साइज ऐसे निकाल सकते हैं, मशीन का मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका आ गया कि जो नेक्स्ट सवाल आप पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इसके लिए मशीन कहाँ से मिलती है। मशीन सर वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, 25 साल पुरानी हमारी कंपनी है, हमें कंपनी बनी हुई है, फरीदाबाद में हमारी कंपनी है, सेक्टर 25 में प्लॉट नंबर 20। ये 300-400 एम्प्लॉयज हैं, बहुत ज्यादा हमारा इसमें एक्सपर्टीज है। और सिर्फ हम A4 कॉपियर की मशीन नहीं बनाते, प्रिंटिंग एंड पेपर कन्वर्टिंग लाइंस में वी आर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें हम फ्लेक्सो मशीन, वेब ऑफसेट मशीन, पेपर बैग मशीन, आपका कंप्यूटर स्टेशनरी प्रिंटिंग मशीन, ATM थर्मल पेपर रोल बनाने वाली मशीन सारी बनाते हैं। तो आपको अगर बेस्ट सोल्यूशन चाहिए तो आप वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से ले सकते हैं। अगर मैं आपको एक और कंपनी का नाम दूं तो वो लाइनोमैटिक होगी। जो लाइनोमैटिक और वेबटेक की ऐसी कंपनी है जो काफी सालों से ये मशीन बना रही है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन बना रही है। तो वेब लाइनोमैटिक भी अच्छी कंपनी है और वेबटेक भी अच्छी कंपनी है, ये दो कंपनी पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप मत सोचिएगा कहीं जाने का, क्योंकि इसमें चाहिए और वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपने किसी लोकल वेंडर से ले ली और वेस्टेजेस उसमें ज्यादा होने लग गए तो आपका सारा प्रॉफिट डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए ये दो कंपनी बहुत अच्छी है, लाइनोमैटिक और वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिससे आप ले सकते हैं। लाइनोमैटिक शायद अहमदाबाद में है और वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी फरीदाबाद में है। राइट सर, व्हाट इज पेपर मेड ऑफ? अगेन आई हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी कि पेपर वर्जिन, तीन तरीके का पेपर होता है, ABC ग्रेड का वर्जिन वुड पल्प से मिलता है, फिर आपका नॉर्मल एग्रो बेस्ड मटेरियल से बनता है, दैट इज बी ग्रेड, एंड सी ग्रेड इज योर रिसाइकल्ड पेपर। तो वो आपका ये सारे चीजें होती हैं। ये फिर द डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस एंड वाइटनेस, ब्राइटनेस एंड वाइटनेस इज मोर ऑफ द सेम थिंग। ब्राइटनेस होता है जो ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन मेजर करता है, वाइटनेस हो गया जो आपको दिख रहा है, पेपर दिख रहा है कि ये वाइटनेस इसकी कितनी है। उसके मेजरमेंट्स के अलग क्राइटेरिया होते हैं, जब आप जंबो रोल लेने जाएंगे वही आपको बताएंगे कि कितनी इसकी वाइटनेस है, कितनी इसकी ब्राइटनेस है, वो आपको बताएंगे। और जनरली इंडिया में 82% ब्राइटनेस आप कह सकते हैं और 89% ब्राइटनेस का चलता है पेपर, 82 से लेके 89% ब्राइटनेस का पेपर चलता है। आने को 104% का भी आता है, उससे 100% से भी ज्यादा का पेपर आता है, तो 4% का पेपर भी आता है, बट वो डिपेंड करता है आप उस पर लेना चाहते हैं, कौन सा पेपर जाना चाहते हैं। इंडिया में जनरली 82% ब्राइटनेस इज गुड, लाइक इट्स नॉट बैड। फिर अगला सवाल जो है वो है व्हाट डज वुड फ्री मीन। वुड फ्री सर ये है प्रवीण सिंह फ्रॉम नू, प्रवीण सिंह का क्वेश्चन है कि व्हाट इज वुड फ्री। वुड फ्री वही हो गया जो रिसाइकल पेपर से बना है, एग्रो बेस से बना, मतलब वुड रिसाइकल पेपर। हम मान लीजिए पेपर का सबसे बढ़िया आप इंडस्ट्री है, क्यों अच्छी है, क्योंकि ये रिसाइकल हो जाता है। अब जितना पेपर यूज कर रहे हैं वो और रिसाइकल, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा प्लास्टिक सारा बैन हो रहा है, पेपर बैग पे लोग जा रहे हैं कि भैया कोई भी बैग प्लास्टिक नहीं होगा, पेपर बैग होगा सारा, चाहे वो एक सब्जी बेचने वाला हो या बड़ा बड़ा मॉल हो, हर जगह पेपर यूज होगा। क्यों? क्योंकि पेपर एनवायरमेंट के लिए हजार्डस नहीं है, आप पेपर जला दो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता और वो रिसाइकल भी हो जाता है तुरंत। प्लास्टिक आप छोड़ दो तो हजार सालों तक डीकम्पोज नहीं होगा वो। तो इसलिए पेपर इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें आप घुस सकते हैं, उसका फ्यूचर बहुत लंबा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में। फिर है इसकी ट्रेनिंग किधर से ले जा सकती है। कपिल फ्रॉम फरीदाबाद ही हैं ये सर, फरीदाबाद में ही है वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जहां आप जाके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप मशीन का ऑर्डर देंगे, मशीन आपकी बन के तैयार हो जाएगी, आप कंपनी एंड पे भी प्रॉपर रिग्रेस आप ट्रायल ले सकते हैं मशीन का अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भैया मैं मशीन उठाने से पहले पूरी इसकी स्टडी करना चाहता हूँ, इसको मैं ट्रायल लेना चाहता हूँ कि कैसे आपके रिम बन रहे हैं। आप वहां पे भी ले सकते हैं, वहां पे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे भी इंजीनियर इंस्टॉलेशन वाले जो हैं, सर्विस इंजीनियर आपके यहाँ जाते हैं, आपको प्रॉपर 2-3 दिन 4 दिन की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी, कोई आपको मशीन चलाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर है नेक्स्ट सवाल जो है कि इसके लिए कोई लाइसेंस भी लेना होता है क्या। अनिल सक्सेना खुर्जा से पूछ रहे हैं। तो
इसके लिए लाइसेंस की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती सर। आजकल गवर्नमेंट स्कीम में आपको 15% की सब्सिडी भी मिल जाती है अगर आप लोन प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। वो आपको बैंकर आपके बताएंगे कि क्या लोन प्रोसेस है। सब्सिडी नहीं मिल रही तो लोन भी बहुत इजीली हो जाता है। रजिस्ट्रेशन में बस आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, जीएसटी नंबर और आधार कार्ड लेना पड़ता है, इस पे फिर आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशल लाइसेंस की इसमें जरूरत नहीं होती। फिर अगला सवाल जो आ रहा है कि क्या लोन मिलता है इसके लिए। पूनम फ्रॉम रुड़की, ऑफकोर्स लोन मिलता है। आप बैंक को आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का 3 साल का ITR है, आपका बैलेंस शीट अच्छा है, तो आपको लोन बहुत खुशी खुशी लोन देगी। ऐसा कुछ भी कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे बैंक के थ्रू। IID भी लोन प्रोसेस कराता है, तो आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी लोन प्रोसेस में पूरी हेल्प करेंगे। आपसे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। 15 से 20 दिन में मैक्सिमम आपका लोन प्रोसेस हो जाता है। बस आपके में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको बहुत इजीली आपको ये लोन मिल जाएगा। फिर अगला सवाल जो है कि सालाना खर्च और मुनाफा का क्या अनुपात है। अद्रिजा फ्रॉम मथुरा से अधीरा जी पूछ रही हैं, पूछ रही हैं कि इसमें सालाना खर्च कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है। तो सालाना खर्च अगर मशीन की मेंटेनेंस पे देखें, तो मेंटेनेंस अगर मशीन को मेंटेन करने में हार्डली साल भर का आपका जो खर्चा आएगा 15 से 20 हजार का खर्चा आएगा, मैक्स टू मैक्स होने को 4 हजार। बस इसके जो कटर होते हैं, एक छोटे से जो स्लिट करते हैं, वो कटर आपको 7-8 महीने में चेंज करने पड़ते हैं। वेस्ट उसे फेंक दीजिए, आप उसे दोबारा रीग्राइंड करके उसकी धार थोड़ी सी बना के दोबारा से यूज कर सकते हैं वो जो आपके कटर्स है। तो पूरी मशीन में अगर देखा जाए खर्चा साल भर का आपको 15 से 20 हजार मैक्सिमम आएगा मेंटेनेंस में, और कुछ नहीं है। और इसका जो मुनाफा है कि आपको एक रीम में कितना मुनाफा मिलता है, वो आपको डिपेंड करता है आपका रीम कितने में तैयार है। अगर 50 रुपए में आप रीम ले रहे हैं, एक 70 GSM का जो पेपर होता है वो 2.18 kg का होता है, तो 50 को 2.18 kg से उतना आप इंटू कर दीजिए। कन्वर्जन चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली सब कुछ मिला के आपका रैपर का पैकिंग करने का कार्टन 10-10 का पैकेट अगर आप बनाते हैं तो उस कार्टन का सब कुछ मिला के आपको 6 से 7 रुपए कन्वर्जन चार्ज लगता है। तो जितना आपका रॉ मटेरियल का खर्चा है, जितना आपका कन्वर्जन जिसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी लेबर सब कुछ इंक्लूडेड है, 6 से 7 रुपए आप वो जोड़ सकते हैं, तो उतने में आपकी रीम बन के तैयार हो जाती है मार्केट में। यानी आपका 115, 120, 125 रुपए में आपका पूरा रीम तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर जो मार्केट में बिक रहा है, आप डीलरों को कांटेक्ट करें। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो वो आप 145 जो डीलर ले रहे हैं 145 रुपए में भी ले रहे हैं, 142 रुपए में भी ले रहे हैं। और अगर डायरेक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हैं तो वो 160-170 रुपए में भी बिक रहा है। आप अगर आप भी दुकान से रीम लेने जाओ तो 160-170 रुपए में मिलेगा आपको। तो अगर डायरेक्ट आप सेल करेंगे तो 160-170, तो आपका मिनिमम 15 रुपए से स्टार्ट होके आपका प्रॉफिट 10-15 रुपए से स्टार्ट होके ये मैक्सिमम 20-25-30 रुपए तक का प्रॉफिट जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने में ऑर्डर क्लिक कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर क्लिक करते हैं तो उसमें मार्जिन और अच्छा है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कितने में आप बेचना चाह रहे हैं, है ना, और कितने में ऑर्डर क्लिक करने की आपकी क्षमता है। ठीक है सर। फिर अगला सवाल है, कोविड के समय क्या ये व्यापार सही रहेगा। विपिन पुंज जयपुर से पूछ रहे हैं। तो कोविड में सर नो डाउट, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, मेडिकल लाइन को छोड़ के कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ी कम हुई है, ये बात एग्रीड है। लेकिन दिस इज समथिंग, कोविड तो आया है चला जाएगा, आज नहीं गया तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद चला जाएगा। लेकिन आप अगर आज ही से ब्रांड वैल्यू अपना बनाना शुरू कर देंगे, मार्केट में अपना नाम शुरू कर देंगे, क्योंकि मशीन की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, 15 से 20 साल तक आपकी मशीन को कुछ नहीं होगा अगर आप प्रॉपर उसे मेंटेन कर रहे हैं, ग्रीसिंग ऑयलिंग प्रॉपर कर रहे हैं, तो 15 से 20 साल तक आपकी मशीन मक्खन की तरह चलेगी। और अगर और जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है 25 लाख की, और 10 रुपए भी आप कमा रहे हैं, 10 रुपए 20 रुपए भी आप कमा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए भी मिनिमम लेके चलते हैं आप कमा रहे हैं, तो और सबसे बेसिक मॉडल भी लेके चलते हैं जो 800 रीम बना रही है, तो 800 रीम अगर आप बना रहे हैं और क्या कहते हैं महीने में 25 दिन चला रहे हैं, तो जो भी आपका मान लीजिए 25,000 रीम आप महीने की बना रहे हैं और 10 रुपए बचा रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए आपको महीना बच रहा है। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, 1 साल के अंदर आपको सारा रिटर्न मिल जाएगा।
या मान लीजिए 1.5 साल लग गया आपको, या कोविड के चलते 2 साल लग गए, लेकिन उसके बाद हर तीसरे साल से 2 साल के बाद हर महीने आपको वो 2.5 लाख रुपए आपकी सेविंग होगी, आपकी कमाई होगी जो आपको वो कमा के देगी। और 15 लाख मशीन का वो है तो बहुत अच्छा इसका स्कोप है, राइट। ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट सारे आपके बाकी जितने भी सवाल है मैंने सारे आपको सवाल के आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको लगता है, कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, फरीदाबाद सेक्टर 25 में। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, IID के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया अच्छे से। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कॉन्टैक्ट अस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो इस वेबसाइट पर दिखा नहीं। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक, बिजनेस सर्विसेज से लेकर एक्सपर्ट एपिसोड्स तक, उद्योग से जुड़ी हर जानकारी और सवालों के जवाब पाने के लिए अभी लॉगिन करें www.iid.org.in पर। आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है IID, यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल। आपसे बात करने के लिए हम हमेशा है तैयार। हमें कॉल करके जाने अपने बिजनेस से जुड़े सवालों के जवाब, तो तुरंत कॉल करें MSME हेल्पलाइन नंबर्स 7607655555 और 7408733333 पर, और पाए बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपर्ट एपिसोड्स, कंसल्टेंसी और भी बहुत कुछ। आपके बिजनेस रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान है एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप अभी।